हेलो गाइस, मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश, अजय कुमार सिंह की, उनके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसकी मैं आपके सामने एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो चलिए देखिए, वैसे ये फिफ्थ चैप्टर है उस बुक का, उससे पहले इसमें फोर चैप्टर और हैं, तो लेकिन हम लोग फिफ्थ चैप्टर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे चैप्टर इसमें कवर कर सकूँ। फिफ्थ चैप्टर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ड सीखने को मिलेंगे। इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन भी कम्प्लीट हो जाएगा, आपका जो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं कम्प्लीट होगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो वोकैब होगी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपके पास एंटोनिम और सिनोनिम की जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उससे बहुत ईजी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आज के जो मैंने स्लाइड रखी है वो केवल इस पेज की रखी है, इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो पहला वर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है अबैटर। अबैटर का मतलब क्या होता है? अबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। आप लोगों ने अक्सर देना ना किसी को बोल भी देते हैं, कसाई है क्या? कसाई मतलब कौन होता है? जो जानवरों को काटता है, ठीक है। तो और स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, ठीक है ना। तो अबैटर का मतलब क्या है? स्लॉटर हाउस या कसाई खाना, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, अबैटर मीन्स कसाई खाना या और स्लॉटर हाउस। अच्छा, अगला देखिएगा एबॉट। एबॉट का मतलब क्या होता है? द सुपीरियर ऑफ अ चर्च। जैसे हमारे मंदिर जो होते हैं उसमें मठाधीश होते हैं ना, महामंडलेश्वर होता है, उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में क्या है, अपने अपने लोगों का क्या होता है, एक मुख्य पादरी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च या एबॉट कहते हैं, चर्च का मुख्य पादरी। अगला नेक्स्ट वर्ड देखिए, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट इन फॉर्म ऑफ समथिंग। वो वर्ड भी हो सकता है और कोई फ्रेज भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी से पूछो भाई आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो अक्सर बच्चे बोलते हैं हम बीए कर रहे हैं। बीए क्या है? एक एब्रीविएशन है। और किसका एब्रीविएशन है? बैचलर ऑफ आर्ट्स का। कोई कहता है कि हम बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी का क्या मतलब है? वो कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है हम उसकी शॉर्ट इन फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, और जो शॉर्ट इन फॉर्म होती है वो क्या होती है? एब्रीविएशन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबडिकेट। एबडिकेट का क्या मतलब है? एबडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी इच्छा से त्याग देना, मतलब कि अपनी इच्छा से किसी भी चीज़ को त्याग देना। तो ये अक्सर जो यूज़ किया जाता है वो आपके राजा महाराजाओं के टाइम में यूज़ किया जाता है, पद प्रतिष्ठा के यूज़ में किया जाता है, कि लोग अपना जो पद होता है वो क्या कर देते हैं, स्वइच्छा त्याग देते हैं। तो एबडिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंटरली। यहाँ से आपको एक और वर्ड सीखने को मिला, वो है थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन या पद, अपना पद त्याग देना या अपना थ्रोन त्याग देना। अगला देखिए एब्रेशन। एब्रेशन और एब्रीविएशन में कंफ्यूज ना होइएगा। एब्रीविएशन होता है किसी भी चीज़ की शॉर्ट इन फॉर्म, छोटी फॉर्म, जबकि एब्रेशन होता है किसी भी चीज़ से क्या है, थोड़ा सामान्य प्रकृति से अलग है। सामान्य प्रकृति से अगर कुछ भी चीज़ अलग दिखाई देगी आपको, तो हम क्या बोलेंगे? एब्रेशन है। तो क्या है? अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़, अगर कुछ चीज़ है उससे हम थोड़ा सा अलग व्यवहार हो रहा है, एक बहुत अलग चीज़ें हो रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्रेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोर। एबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना। हम कह सकते हैं आई एबोर यू, मतलब कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। एबोर मतलब क्या है? रिगार्ड विद डिसगस्ट एंड हेट्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट शब्द है हमारे पास, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्पटेबल और मिजरेबल, मतलब कि कुछ भी चीज़ बहुत बुरी है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्जेक्ट कहेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? डू अवे विद होली, पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। यहाँ पे एक जो वर्ड है आपका डू अवे, डू अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, मतलब समूलतः उसको किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, तो यही क्या कहलाता है आपका? एबॉलिश, एबॉलिशमेंट होता है, एबॉलिस्ट। ये एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है। अगले देखिए एबोरिजिनस। एबोरिजिनस कौन होते हैं? किसी भी जगह के मूल निवासी। जैसे आप गढ़वाल में गए, तो गढ़वाल के एबोरिजिनस कौन होंगे? जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो देखिए एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है? जो भगोड़ा होता है, आप लोग सुनते होंगे ना वर्ड, जैसे बोलते हैं भगोड़ा है, ये तो भाग जाता है हमेशा, है ना। तो भगोड़ा, जिसे हम लोग फ्यूजिटिव भी कहते हैं, आप फ्यूजिटिव भी कह सकते हैं, आप भगोड़ा भी कह सकते हैं, या कानून से भागा हुआ व्यक्ति भी कह सकते हैं। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर मतलब, जैसे आप इसको याद कर सकते हैं, एब्स
एब्सकॉन्डर हो गए, मतलब एब्स क्या हो गए, गायब हो गए, भाग गए, तो एब्सकॉन्डर ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। निमोनिक्स की सहायता से काफ़ी वर्ड्स को हम लोग याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को सोख लेना, किसी भी चीज़ को सोख लेना, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग। नेक्स्ट वर्ड हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है, जिसे समझना क्या हो मुश्किल हो, जो बहुत ही ज़्यादा अटपटा सा हो, जो क्या हो हार्ड टू अंडरस्टैंड हो, मतलब कि जिसे समझने में थोड़ी सी क्या हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा अगला देखिएगा, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका है, कुछ भी चीज़ क्या है, बेढंगी है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है ना, तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, मतलब बेढंगी है कुछ चीज़, हास्यास्पद है, मतलब ऐसी चीज़ें होती ना किसी किसी चीज़ को जो बेढंगी होती है लेकिन हंस जाते हैं लोग उसे सुनने के बाद, तो ऐसी अक्सर चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सर्ड थिंग्स। ठीक है, अगला देखिएगा, अब्यूज़। अब्यूज़ बहुत ही कॉमन है, जो अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, डोंट अब्यूज़, मतलब अब्यूज़ का मतलब होता है कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करना, अर्थात आप कह सकते हैं गाली काइंड ऑफ थिंग, और वैसे नॉर्मल इसका दूसरा भी अर्थ होता है, किसी लड़ाई झगड़े से लेकर हिंसात्मक तरीके से, है ना, अक्सर बचपन में कहा जाता है ये अब्यूज चाइल्ड है। अब्यूज चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जिसके संग क्रूरतापूर्ण और हिंसात्मक व्यवहार किया गया हो, है ना। तो अच्छा देखिएगा, एक्युलेड। एक्युलेड का मतलब क्या होता है, एक्युलेड का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा हो, एक्युलेड मतलब पुरस्कार भी होता है, वैसे इसमें मेंशन नहीं है, वैसे है इसमें देखेंगे हम लोग, तो प्रशंसा होगी किसी के गुणों की, दिया जाने वाला सम्मान, तो वो होता है एक्युलेड। ओके, तो अच्छा अगला चलता है, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस कौन होता है, एकम्प्लिस होते हैं, जैसे मान लिया आपने किसी इंसान का खून किया, लेकिन उसका खून करने में आपने क्या करा, उसका साथ दे दिया किसी का, अगर कोई बंदा खून कर रहा है, अगर आप उसका साथ दे रहे हैं, तो आप लोग कौन है, एकम्प्लिस है, मतलब कि किसी के गलत काम में साथ देने वाला, एन एसोसिएट इन क्राइम, कोई भी क्राइम है उसके संग अगर आप एसोसिएटेड हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, एकम्प्लिस कहलाएंगे। अगला देखिए, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब है, जो अकाउंट संभालता है वो नहीं, अकाउंटी का मतलब, अकाउंटेबल का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का क्या हो, जवाबदेही हो, जो उत्तरदायी हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और आंसरेबल, तो क्या हो, जो आंसरेबल हो, जो उत्तरदायी हो, जो जवाबदेह हो उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा, वो है एक्यूएस। एक्यूएस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना लेकिन बेमन से, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, है ना, जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कभी कभार हमारा मन नहीं होता है, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेमन से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूजिंग। अगला देखिए, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, आरोप से बरी हो जाना, आरोप से क्या हो जाना, बरी हो जाना, जिसमें अगर आप लोगों को अभी फंसा दिया गया हो, लेकिन आपको बाद में ही पता चल जाए उनको कि आप नहीं करा है वो काम, आपने नहीं करा है, तो आपको क्या कर देंगे, वो लोग बरी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्यूट में, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। वर्डिक्ट क्या होता है, वर्डिक्ट भी एक नया वर्ड आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वर्डिक्ट का मतलब होता है, जैसे काफ़ी लोगों क्या होता है, उसमें जूरी मेंबर्स होते हैं, वो लोग सलाह करते हैं, जज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सलाह करते हैं और एक निर्णय में पहुँचते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वर्डिक्ट कहा जाता है। तो मतलब एक निर्णय में पहुँचने के बाद आपको ये सिद्ध कर दिया गया कि वो आपने क्या करा है, जुर्म नहीं किया है, तो आपको एक्विट कर दिया गया। ओके, अगला देखिएगा, लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कटु एवं नाराजगी भरा, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं एक्रीमोनियस लेटर, मतलब एक ऐसा लेटर है कि जिसमें क्या दुख है, नाराजगी भरा एक लेटर हमें मिला, तो उसका क्या मतलब हो गया कि दुख भरा, जैसे इसमें लिखा गया है एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, अक्सर ये क्या हो डिस्कशन में यूज़ किया जाता है, तो क्या हो गया आपका एक्रीमोनियस। तो आप इतने वर्ड भी अगर आप डेली याद करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको एक बहुत अच्छी वोकैब रोजाना याद हो जाएगी। हर एक अलग अलग बुक से नहीं याद कीजिए, एक पर्टिकुलर बुक रखिए और एक सीरीज़ वाइज में उसको याद कीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैं ये पढ़ूंगा और वो पढ़ूंगा, ऐसे कभी याद नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर बुक रखिए और हार्ड से हार्ड वर्ड, जो वर्ड जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है ना, उसे ही आप सबसे पहले याद कीजिए, तो फिर आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब आपको सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, याद रहेंगे, उनके साथ साथ मीनिंग्स भी और उनके साथ साथ स्पेलिंग भी। इन वर्ड को आप क्या करिए, याद कीजिए और उनको लिख लिख के याद कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पेलिंग भी ठीक रहेगी और आपको इनकी मीनिंग भी पता रहेंगे। थैंक यू सो मच।
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।